সাংবাদিক বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সহকারী কোঅর্ডিনেটর মাননীয় শ্রী ঋতুরাজ সিনাজি উপস্থিত আছেন আমার জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী অমিত আমাদের মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয় ঋতুরাজ সিনহাজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদেরকে সম্বোধিত করবেন তো উনি ন্যাশনাল সেক্রেটারি মূলত উনি পাটনা থেকে বিহার থেকে উনি বিলং করেন আর দুই হাজার তেইশে যখন আমরা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচনে আমরা সক্রিয় ছিলাম আমাদের নর্থ ইস্টের কোয়ার্ডিনেটার সম্বিত পাত্রাজি আমাদের সঙ্গে ছিলেন আর আমাদের ঋতুরাজ সিনহাজি সহকারী উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোর্ডিনেটর হয়ে মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে যে সরকার আমরা এনেছি ওনার কৃতিত্ব কৃতিত্বটা ওনারই পুরো তো আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ওনাকে তো আপনারা জানেন যে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নয় বছর যে পূর্তি হয়েছে সেই নয় বছরকে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আপনারা অবগত আছেন যে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা এই নয় বছরের যে কার্যকাল আগামী এক মাস ব্যাপী আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সেটা বাস্তবায়নের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি তারই অঙ্গ হিসেবে আমাদের এখানে কিরকম কাজ হচ্ছে কিভাবে চলছে সেই ব্যাপারে বিস্তারিত প্রবাস সমস্ত সেন্ট্রাল লিডাররাও আমাদের রাজ্যে প্রবাস করছেন আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাজীব চন্দ্রশেখরজিও ওনার প্রবাস শুরু হয়েছে আজকে উনি খোয়াইতে আছেন ঋতুরাজ জি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন তো উনি কিছুক্ষণ আগে আমাদের ব্যবসায়ী যারা বন্ধুরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে উনি একটা সম্মেলন করেছেন মিট করেছেন এবং কালকেও ওনার বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে তো আমি ঋতুরাজ সিনহাজিকে আমি অনুরোধ করব আপনাদের সামনে ওনার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরার জন্য आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच त्रिपुरा राज्य के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव जी और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी अमित रक्षित जी चीफ स्पोक्स पर्सन सुब्रोतो दा और मेरे प्यारे मीडियाकर्मी प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स नमस्कार मैं ऋतुराज आज इस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेसिकली uh, मुद्दा है बात करने का मोदी जी के नौ वर्ष के उपलब्धियों पर उनका जो सेवा कार्य चला है उसके ऊपर तो मैं पहले इस पे एक जनरल uh, ब्रीफिंग कुछ आपको दे दूं उसके बाद वी कैन ओपन अप कोई चर्चा अगर आपके ध्यान में करने के लिए है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी तो दोस्तों मोदी जी के नौ साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण और वी कैन ऑल्सो से सर्विस टू सोसाइटी सर्विस टू इंडिया गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पुअर ये तीन पिलर्स हैं जिसके ऊपर मोदी जी की सरकार नौ साल तक चली है मोदी जी की सरकार आने से पहले देश में मोर देन सिक्सटी ईयर्स कांग्रेस की सरकार चली कांग्रेस ने अपने जमाने में इंदिरा गांधी के समय नाइनटीन सेवेंटीज एटीज के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया पर उसके बाद उस नारा देने के बाद कांग्रेस वाज इन गवर्नमेंट फॉर अ गुड ट्वेंटी फाइव ईयर्स पच्चीस साल उस नारा देने के बाद कांग्रेस की सरकार रही पर देश के गरीब के लिए कुछ ठोस काम नहीं किया राजीव गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी ने सपना दिखाया गरीब गरीबी हट, गरीब कल्याण करेंगे और गरीबी हटाओ करके राजीव जी ने आके उसकी समस्याएं गिना दी देश में कि एक रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो पंद्रह पैसा नीचे पहुंचता है उन्होंने खाली समस्या बता के छोड़ दिया बाद में जब सोनिया जी प्रॉक्सी रूप से देश चलाने लगी मनमोहन जी जब पीएम हुए लेकिन दस जनपद से भारत देश चल रहा था सोनिया जी चला रही थी तो इसी प्रकार का काम हुआ गरीब का प्रॉब्लम सॉल्व करने के जगह पे सिर्फ और सिर्फ वायदे और समस्याओं की सूची मोदी जी ने पिछले नौ साल में गरीब कल्याण वेलफेयर ऑफ द पुअर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है इस देश में पिछले दस साल से जिस स्पीड से गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को उठाया गया है जो वंचित वर्ग था जो पीड़ित वर्ग था उनको जैसे कल्याण के कार्यों से उठाया गया है वो अभूतपूर्व है वो अनप्रेसिडेंटेड है अगर हम बात करें तो मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ऑल सबका घर बनाने का काम कहा और तीन करोड़ घर गरीब लोगों को तीन करोड़ घर बना के दिए पिछले नौ वर्षों में घर तो दे दिया खाने के लिए जिनको समस्या थी अस्सी करोड़ लोगों को अन्य योजना के तहत फ्री राशन मोदी सरकार दे रही है घर में सहूलियत हो उसके लिए बिजली एक गांव एक घर तक पहुंची है महिलाओं को खाना बनाने में समस्या ना हो इसलिए साढ़े नौ करोड़ नाइन पॉइंट सिक्स करोड़ महिलाओं को फ्री गैस उपलब्ध कराया गया है घर पे पानी की समस्या थी टैप्ड वाटर कनेक्शन नहीं था इस देश में पिछले कुछ ही वर्षों में करोड़ों करोड़ घर तक टैप वाटर कनेक्शन मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया है और सिर्फ यह नहीं घर की बंदोबस्त नहीं की गांव तक सड़क पहुंचाई स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था की एजुकेशन सेक्टर में पहली बार ल, वेरियस वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस में क्षेत्रीय भाषाओं में भी आज हम इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं इसकी व्यवस्था की ताकि कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग आदमी वंचित न रह जाए मोदी जी ने विकास का कार्य किया और न्याय सामाजिक न्याय का भी कार्य किया पहले बार जो ओबीसी कमीशन था उसको नेशनल रूप में एक अधिकार दिया कि वो अपने समाज के लिए काम कर सके देश में साढ़े आठ परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है लेकिन मोदी जी ने पहली बार तय किया कि कोई ट्राइबल हमारे देश का राष्ट्रपति भी हो सकता है और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनवाने का काम मोदी जी ने किया मोदी जी ने जो जनरल कास्ट है उनको भी उसमें जो जेंडर क्लासेस में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन डिक्लेयर करके उनको भी रिजर्वेशन देने का काम किया मोदी जी ने ऐसा गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल देश में साबित किया है जहां पिछले नौ साल में जीरो करप्शन जीरो स्कैम डेवलपमेंट फॉर ऑल के मॉडल के साथ देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है आज देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकॉनमी है फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड 2014 से पहले इंडिया का रैंक नंबर टेन पे था हमने नौ साल में पांच देशों को पीछे छोड़ते हुए नंबर फाइव की इकॉनमी बने हैं और ना सिर्फ इकोनॉमिकली सशक्त हुए हैं ना सिर्फ इकॉनमी का साइज बढ़ा है देश का दुनिया के मैप पर स्थान और सम्मान भी बढ़ा है आज मोदी जी वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरे हैं वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में उभरे हैं कांग्रेस कहती है कि जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी भारत को ऐसे ही भी मिलती इसमें मोदी जी का क्या योगदान है मैं बताना चाहता हूं कि ये वो मोदी जी हैं आज जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है अगले साल नहीं भी रहेगी तब भी दुनिया मोदी जी को अपना नेता मानेगी कुछ तो बात है मोदी जी में कि देश का इतना सम्मान बढ़ा है कि आज जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो 140 करोड़ भारतवासियों का गौरव बढ़ जाता है छाती चौड़ी हो जाती है जब ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मोदी इज द बॉस पापा गिनी जाते हैं तो वहां के प्रेसिडेंट पैर छूकर मोदी जी का आशीर्वाद लेते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगते हैं और अब मोदी जी इसी महीने स्टेट विजिट में अमेरिका जा रहे हैं जब राहुल गांधी जी विदेश जाके अमेरिका में बैठ के देश की कमियां और बुराइयां गिनाने का प्रयास करते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब भाजपा नहीं देती उनका मुंह तोड़ जवाब अमेरिका का व्हाइट हाउस देता है जो कहता है कि इंडिया में कितनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है अगर देखना है तो दिल्ली जाके देख सकते हैं अमेरिका हमारे तरफ से जो है देश दुनिया को संदेश दे रहा है भारत के डेमोक्रेसी की क्षमता दिखा रहा है और यही इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है जिसको लेके मोदी जी ने भारत का परचम लहराया है आप देखिए कि आज यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया तेल का दाम अरब देशों ने बहुत तेजी से बढ़ाया और मोदी जी ने निर्णय लिया कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे ताकि हमारे देशवासियों को समस्या ना हो और वो करके दिखाया हमारे बच्चे जब इस अंतरराष्ट्रीय युद्ध में फंस गए थे हमारे स्टूडेंट्स जो वहां पढ़ रहे थे रशिया और यूक्रेन में जब वो फंस गए थे तो मोदी जी ही देश दुनिया के इकलौता नेता हैं, जिनके एक फोन कॉल पे सीज फायर हुआ युद्ध विराम हुआ इंडिया का झंडा लेकर हम हमारे घर के हजारों बाद नौ साल में राम मंदिर भी बन रहा है लोग कहते थे इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के रूप से उभर रहा है जहां पे हजारों किलोमीटर का रोडवेज हाईवेज, एयरपोर्ट पोर्ट रेलवे कनेक्शन और बाकी क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तीव्र गति से हो रहा है 370 के बारे में लोग कहते थे कि इंडिया कभी 370 हटा नहीं सकता कोई सरकार में इतना दम नहीं है मोदी सरकार है जिसने वो भी करके दिखाया और आज कश्मीर तीव्रता से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें विशेषकर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में मोदी जी और मानिक साहा जी एम प्लस एम मोदी प्लस मानिक शाह इज इक्वल टू महा डेवलपमेंट यह महाविकास जो है इस मंत्र को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किस तेजी से यहां पे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है अगरतला में एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन का काम पूरा हुआ है सड़कों का तो जाल बिछा है उसके अलावा केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की और अन्य कई योजनाएं बहुत सफलतापूर्वक से यहां पे लागू हुई हैं। हाल यह है कि आज त्रिपुरा एक एक्सपोर्ट हब बन के उभर रहा है भारी मात्रा में त्रिपुरा से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सामान का एक्सपोर्ट हमारे उद्यमी यहां से कर पा रहे हैं तो यह जो सारा डेवलपमेंट है ये जो ये जो कनेक्टिविटी मोदी जी ने की है इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है पहले सामान भारत में दिल्ली से बंबई से कलकत्ता से सामान त्रिपुरा में लाना कितना कठिन था रेलहेड नहीं था आज उस कनेक्टिविटी उस एयरपोर्ट के वजह से टूरिस्ट भी आ रहा है और सामान भी रेलहेड और रोड से सरलता से पहुंच रहा है तो इस प्रकार का बड़ा विकास मोदी जी के शासन में हो रहा है इसी सेवा भाव से मोदी जी आगे भी देश की सेवा करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि देश और नॉर्थ ईस्ट के साथ त्रिपुरा का भी तेजी से डेवलपमेंट होता रहेगा यही बातें थी आपका धन्यवाद